तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास में क्या है, पानी है, और ये मेरे पास में क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। अब जब मैं कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में ऐड करूँगा तो क्या होगा, एक केमिकल रिएक्शन होगी जिसमें हीट इवॉल्व होगी, यानी कि इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और इसमें से हीट बाहर निकल रही होगी। अगर मैं अब इसको छू रहा हूँ तो मुझे पता लग गया इसका टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और धुएं भी इसी वजह से उठ रहे हैं इसमें। इस तरह की रिएक्शन जिसमें क्या होता है, दो सब्सटेंसेस मिलके हीट निकालते हैं बाहर, इस तरह की रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जॉस्ट आपको पता होगा क्या होता है, एग्जॉस्ट का काम हीट को बाहर निकालना, इसी तरीके से एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट बाहर निकलती है। अभी फ़िलहाल इसका टेम्परेचर बहुत बढ़ चुका है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बहुत तेज़ गर्म हो चुका है फिलहाल। ये जो नया प्रोडक्ट बना है यहाँ पे, वो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको हम फ्लेक्ड लाइन भी कहते हैं।